Today we are learning from New Oxford Primary Science 3rd Edition for Class 1. जैसा कि आप सबको पता होगा हमारी बुक चेंज हुई है, तो ये न्यू बुक है हमारी. Now open the book, page number 2. Part 1, ourselves. Our means हमारा. सेल्फ अपने बारे में जानना. अवर सेल्फ मतलब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे अपने बारे में जानेंगे. यूनिट नंबर 1, दी ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन मींस इंसान, बॉडी मींस जिस्म. ह्यूमन की स्पेल करेंगे हम पहले HUMAN, ह्यूमन. BODY, बॉडी. ह्यूमन बॉडी, दी ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को कौन कौन से पार्ट्स दे के भेजा है, इंसान की ह्यूमन बॉडी किस तरह से है और उसका क्या क्या वर्क है. व्हेन यू लुक इन अ मिरर. व्हेन मींस जब. यू आप अपने आप को मिरर में, आईने में देखते हैं. यू सी योर बॉडी, आप अपनी बॉडी मतलब जिस्म देखते हैं. When you look in a mirror, you see your body. जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, अपनी बॉडी देखते हैं. Your body is made up of many parts. आपकी जो बॉडी है मेड अप, बनी हुई है many, M-A-N-Y, many, बहुत से पार्ट से, P-A-R-T-S, parts. Parts means हिस्सों से बनी हुई है. Each part of your body has a name. हमारी जो एक एक बॉडी का जो पार्ट है उसका एक अलग अलग नेम है. उसका क्या है, अलग अलग नेम. नाउ अब हम रीड करेंगे हमारे जो ये बॉडी पार्ट्स हैं इनके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं. देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी जो बॉडी है उसके 4 मेन मीन्स अहम पार्ट्स, हिस्से. There are 4 main parts of our body. हमारी जो बॉडी है उसके 4 मतलब 4 मेन अहम पार्ट्स होते हैं. नंबर 1, हेड. हेड, H-E-A-D, हेड. हेड मीन्स सर. नंबर 2, ट्रंक. T-R-U-N-K, ट्रंक. ट्रंक मीन्स धड़. नंबर 3, लेग्स. L-E-G-S, लेग्स. लेग्स मीन्स. नंबर 3, लेग्स. L-E-G-S, लेग्स. लेग्स मीन्स टांगे. नंबर 4, हैंड्स. H-A-N-D-S, हैंड्स. हैंड्स मीन्स हाथ. ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज अ नेम. नंबर 1, एयर. एयर हम क्यों यूज़ करते हैं, एयर मीन्स कान. कान हम सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमें किसी की भी वॉइस सुननी हो, आवाज़ सुननी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एयर्स. नंबर 2, आइस. E-Y-E, आई. आई माने आँख. आँख हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए. वी यूज़ आइस टू सी थिंग्स. नंबर 3, नोज. नोज मीन्स नाक. वी यूज़ नोज टू स्मेल थिंग्स. हम नोज़ यूज़ करते हैं चीज़ों को स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए. माउथ. वी यूज़ माउथ टू स्पीक एंड ईट. हम जो माउथ जो होता है हमारा, हम यूज़ करते हैं उसे, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इससे बोल सकें और हम खा सकें इससे. इसी तरह चिन, आर्म, फिंगर्स, स्टमक, थंब, नी, टो, जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का अलग अलग एक काम होता है, उनकी एक अलग अलग जॉब होती है. जैसे हमने पढ़ा, ये जो हमने पिक्चर आप देखें, ये हमारी फ्रंट की पिक्चर थी. अब हम बैक पे आते हैं. बैक पे भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हेयर, नेक, शोल्डर, एल्बो, बैक, हैंड्स, लेग्स एंड फूट. ये सारे भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इनका भी एक अलग अलग वर्क होता है. हेयर मीन्स बाल. H-A-I-R, हेयर. हेयर मीन्स बाल. N-E-C-K, नेक. नेक मीन्स गर्दन. शोल्डर, S-H-O-U-L-D-E-R, शोल्डर. शोल्डर मीन्स कंधे. एल्बो, E-L-B-O-W, एल्बो. एल्बो मीन्स हमारे जो कोहनियाँ होती हैं इनको एल्बो कहते हैं. B-A-C-K, बैक. बैक कमर को कहते हैं. हैंड्स, H-A-N-D, हैंड, हाथ. L-E-G, लेग, टांगें. F-O-O-T, फूट, पैर.
Now open the book page number 3. Each part has a job to do. हमारा जो बॉडी का एक एक पार्ट होता है उसका एक अलग अलग काम होता है. आप पिक्चर्स में देखेंगे ये लड़की क्या कर रही है, ये आइसक्रीम खा रही है, ये किस चीज़ से खा रही है आइसक्रीम. यहाँ पे नीचे देखें लिखा है वी यूज़ आवर माउथ टू ईट एंड स्पीक. हम यूज़ करते हैं अपना माउथ खाने के लिए एंड स्पीक बोलने के लिए. नंबर 2 पिक्चर पे आप आएँ वी यूज़ हैंड्स टू होल्ड थिंग्स. ये बॉय क्या कर रहा है, ये ड्राइंग कर रहा है. क्या किस चीज़ से ड्राइंग कर रहा है, इसने अपनी फिंगर्स पे पकड़ी हुई है, क्या पकड़ा हुआ है, पेंट कलर कर रहा है ये, और ब्रश पकड़ा हुआ है. तो ये लिखा हुआ है वी यूज़ हैंड्स टू होल्ड थिंग्स. हम अपने हाथों को यूज़ करते हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए. नंबर 3 फिगर पे आप आएँ बच्चा क्या कर रहा है, भाग रहा है. वी यूज़ आवर फीट टू रन मूव एंड वॉक. हम अपने फीट पाँव यूज़ करते हैं, टांगे यूज़ करते हैं, किस लिए, चलने के लिए, भागने के लिए और इधर से उधर मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन मीन्स ह्यूमन, एच यू एम ए एन. ह्यूमन मीन्स इंसान. बींग्स बी ई आई एन जी एस, बींग्स मखलूक. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. हम सब क्या हैं, इंसानी मखलूक हैं. बॉयज़ गर्ल्स मैन वूमेन. बॉयज़ बी ओ वाई एस, बॉयज़. बॉयज़ मीन्स लड़का. जी आई आर एल एस, गर्ल्स. गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ. मैन एम ई एन, मैन. मैन मीन्स आदमी. वूमेन डब्ल्यू ओ एम ई एन, वूमेन. वूमेन मीन्स औरत. एंड मतलब और, बेबीज़ बी ए बी आई ई एस, बेबीज़ बच्चे. ऑल आर ह्यूमन बींग्स. ये जितने भी हैं पिक्चर में आप देखें बने हुए हैं, बॉयज़ गर्ल्स मैन वूमेन एंड बेबीज़, ऑल आर ह्यूमन बींग. ये सब क्या है, ह्यूमन बींग्स, मखलूक, इंसानी मखलूक हैं. आवर बॉडीज़ वर्क इन द सेम वे. हमारी जो बॉडीज़ होती हैं वो काम करती हैं एक सेम वे में, मतलब एक तरह से काम करती हैं. हमारी बॉडी का जो पार्ट्स का फंक्शन होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वो सब एक जैसे ही प्रॉपर वे में एक तरह से ही सबके काम होते हैं. बट दे आर डिफरेंट, बट वी ऑल लुक डिफरेंट. जो हम आप पिक्चर्स में देखेंगे जितने भी ह्यूमन बींग्स बने हुए हैं, ये बॉय बना हुआ है, ये बेबी बना हुआ है, ये वूमेन, ये गर्ल, ये बॉय, मैन एंड गर्ल, ये जितने भी बने हुए हैं ये सब क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. आप गौर से देखें इनके जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब सेम हैं, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट, मतलब मुख्तलिफ हैं दिखने में. अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में. लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. लिविंग मीन्स जानदार, थिंग्स चीज़ें. लिविंग की स्पेलिंग है एल आई वी आई एन जी, लिविंग टी एच आई एन जी एस, थिंग्स. लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें. अब आपको पता होगा जानदार चीज़ें क्या होती हैं. ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल आर लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग्स इंसानी मखलूक, प्लांट्स पौधे एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स. एनिमल्स जानवर, जितनी भी ये ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल जो हैं, जानवर जो हैं, वो सब क्या हैं, लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं उन्हें ज़रूरत होती है, नीड मीन्स ज़रूरत होती है, किस चीज़ की, हवा की. टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए. एयर मीन्स हवा, ब्रीथ सांस लेने के लिए. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव एंड टू ग्रो. जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं उन्हें ज़रूरत होती है, जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं उन्हें ज़रूरत होती है ग़िज़ा की और पानी की. वाटर मीन्स पानी. टू स्टे अलाइव एंड टू ग्रो, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए एंड बढ़ने के लिए. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो जब तक पानी या खाना नहीं खाएंगी वो ज़िंदा नहीं रह सकती, वो ग्रो नहीं करेंगी. फॉर सपोज़ हम प्लांट की एग्जांपल लेते हैं, जब तक हम प्लांट में पानी नहीं डालेंगे वो ग्रो नहीं करेगा और वो अलाइव भी नहीं होगा, मतलब मर जाएगा, वो प्लांट ही मर जाएगा. ग्रोइंग अप, जी आर ओ डब्ल्यू आई एन जी, ग्रोइंग यू पी अप. ग्रोइंग अप मीन्स बढ़ना. हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स किस तरीके से बढ़ती हैं और क्या लिविंग थिंग्स ही ग्रो करती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स बेजान चीज़ें जिसमें जान नहीं होती. फॉर सपोज़ जो हमारी टेबल होती है वो नॉन लिविंग थिंग है,
उसको ना पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, ना एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम यहाँ पे लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं, किस तरह से वो बढ़ती हैं। ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो, सिर्फ जो जानदार चीज़ें होती हैं वो ही बढ़ती हैं। आ बेबी गर्ल ग्रोज अप टू बी अ वूमेन, जो बेबी गर्ल होती है, छोटी सी बच्ची होती है, वो ग्रो करती है तो क्या बनती है? वो वूमेन बनती है। आ बेबी बॉय ग्रोज अप टू बी अ मैन, और जो बेबी बॉय होता है, छोटा सा बच्चा होता है, लड़का होता है, वो जब बढ़ता है, बड़ा होता है तो क्या बनता है? वो मैन बनता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये छोटी सी बेबी है, वो जब ग्रो करेगी तो वुमेन में करेगी, और जो छोटा बॉय है वो मैन बन जाएगा।